हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म अकेडमी। एग्जाम फॉर्म अकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे पिछले 6 महीना के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इस वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चन कवर किया है जो कि पिछले 6 महीना के करंट अफेयर क्वेश्चन से हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है या जो इससे पिछले एग्जाम हुए हैं उन सब में आए हुए क्वेश्चन है या बहुत ही करंट अफेयर की दर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चन कवर किया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन सभी आगामी परीक्षाओं के लिए जो होने वाली है, जैसे रेलवे का हुआ या बैंक का एग्जाम हुआ, एसएससी का एग्जाम हुआ या किसी भी अन्य स्टेट जैसे राजस्थान, यूपीपीसीएस, यूपीबीडीओ, यूपीपीसीएल या यूपी पुलिस। मैं सभी एग्जामों को देखते हुए ये वीडियो आप तक ला रहा हूँ और इसमें सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं ये वीडियो देखने के बाद, उसमें अगर करंट अफेयर का सेक्शन है तो आप ये वीडियो देखने के बाद कॉन्फिडेंटली उस सेक्शन को आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे या हैंडल कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का कि ऋतु बीमा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। आपके 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन जो है सही रहेगा। और मैं हर क्वेश्चन के साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास पेन या पेपर है तो उन एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर लिख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बताऊंगा। तो जो ऋतु बीमा योजना है वो तेलंगाना सरकार ने स्टार्ट किया, यानी कि जो इसका राइट आंसर है बी। अब यहाँ पर बात हुई तेलंगाना की, तो यहाँ से कुछ तेलंगाना से रिलेटेड हम फैक्ट जान लेते हैं। तो तेलंगाना जो है भारत का 29वां राज्य यानी कि आखिरी राज्य है जो कि 2 जून 2014 को बना था। किससे कट के? आंध्र प्रदेश राज्य से कट के बना था। और जो तेलंगाना राज्य है इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, दो ऑफिशियल लैंग्वेज, जो पहली है वो तेलंगाना की पहली जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो तेलुगु है और दूसरी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो उर्दू है। और तेलंगाना की जो राजधानी है उसका नाम हैदराबाद है और वहाँ के जो सीएम है यानी कि मुख्यमंत्री उनका नाम है के आर चंद्रशेखर राव और जो वहाँ के गवर्नर है उनका नाम है ई एस एल नरसिम्हर। ये इतने थे फैक्ट तेलंगाना से जो इस क्वेश्चन में निकल के आते हैं, तो आप इन सभी फैक्ट को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सड़क सुरक्षा बीमा के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर सी यानी कि अक्षय कुमार, अभिनेता एक्टर जो हैं अक्षय कुमार, उनको सड़क सुरक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन पाकिस्तान के 13वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर ए है यानी कि डॉक्टर आरिफ अलवी पाकिस्तान के 13वें राष्ट्रपति बने हैं। और यहाँ अभी ही अभी जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो भी नए चुने गए हैं, उनका नाम है क्रिकेटर इमरान खान, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और जो पाकिस्तान की राजधानी है उसका नाम इस्लामाबाद है और वहाँ की जो करेंसी यानी कि मुद्रा है उसका नाम है पाकिस्तानी रुपया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय महिला मुक्केबाज एमसी मैरी काम किस दूरसंचार कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है बीएसएनएल। बीएसएनएल का फुल फॉर्म होता है भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और इसके जो चेयरमैन हैं या एमडी कह लीजिए वो हैं अनुपम श्रीवास्तवा। तो एमसी मैरी काम जो बीएसएनएल कंपनी है उसकी 2 साल के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुनी गई हैं। और जो एमसी काम जो गेम खेलती हैं उसका नाम है मुक्केबाजी यानी कि बॉक्सिंग गेम खेलती हैं। और ये जो मैं एमसी मैरी काम है ये मणिपुर स्टेट से आती हैं। अगला क्वेश्चन कि 7 से 9 सितंबर 2018 के मध्य द्वितीय विश्व हिंदू कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया। तो जो इस बार द्वितीय हिंदू कांग्रेस हुआ वो शिकागो यानी अमेरिका के शहर शिकागो में हुआ और ये इस साल 150वीं वर्षगांठ थी किसकी, जो स्वामी विवेकानंद जी ने 11 सितंबर 1993 को वहाँ भाषण दिया था हिंदू विश्व धर्म सम्मेलन में, उसी का इस साल 150वां वर्षगांठ था तो वहां पे शिकागो में मनाया गया। और जो भारत से लीड कर रहे थे वो गए थे भारत के वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू इस हिंदू कांग्रेस महासभा में। और जो पहला हुआ था हिंदू कांग्रेस वो हुआ था 2014 नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को वर्ष 2018 के प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। और ये जब मैं क्वेश्चन टाइप कर रहा था वहाँ उस समय घोषणा की गई थी लेकिन अब ये पुरस्कार वितरित भी कर दिया गया है इन खिलाड़ियों को। तो इनका नाम है, एक है मीराबाई चानू,
दूसरा है विराट कोहली। विराट कोहली आप सभी लोग जानते हैं कि ये क्रिकेट खेलते हैं, और जो मीराबाई चानू हैं ये वेट लिफ्टिंग यानी भार उत्तोलक गेम खेलती हैं। अगला है, हाल ही में जारी ब्रांड्स इंडिया टॉप 75 की रिपोर्ट के अनुसार लगातार पांचवें वर्ष देश की सबसे मूल्यवान ब्रांड किसे घोषित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है HDFC बैंक। HDFC बैंक को टॉप 75 कंपनियों में नंबर वन यानी कि मूल्यवान कंपनी घोषित किया गया है। अब बात कर लेते हैं HDFC की। तो HDFC का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर या चेयरमैन है उनका नाम है आदित्य पुरी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी कंपनी 8 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी? तो इसका जो सही आंसर है वो है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री के जो मालिक हैं उनका नाम है मुकेश अंबानी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम 2018 का महिला एकल खिताब नवोमी ओसाका ने किसे पराजित करके जीता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सरेना विलियम्स, यानी कि आंसर सी, सरेना विलियम्स को नजोमी ओसाका ने यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम 2018 में हरा दिया, और नजोमी ओसाका ने ये 2000 यूएस ओपन 2018 ग्रैंड स्लैम जीत लिया, किसमें? महिला एकल में। तो ये जो सरेना विलियम्स हैं ये अमेरिका की खिलाड़ी हैं, और जो नजोमा ओसाका हैं ये जापान की खिलाड़ी हैं। आपको ये फैक्ट दो याद रखना है। अगला है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आपके 4 ऑप्शन है। इसका जो सही आंसर है वो है रेखा शर्मा, यानी कि ऑप्शन डी, रेखा शर्मा को राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी फॉर्च्यून की चेंज ऑफ द वर्ल्ड सूची में 2018 को किस भारतीय कंपनी को पहला स्थान दिया गया है? यानी कि जो फॉर्च्यून मैगजीन है उन्होंने अभी एक लिस्ट जारी किया, उस लिस्ट का नाम है चेंजर ऑफ द वर्ल्ड 2018 कंपनीज। तो उसमें जो भारत की नंबर वन कंपनी आई उसका नाम है रिलायंस जियो। रिलायंस जियो ने पूरी दुनिया में इंडिया को चेंज करके रख दिया, इसीलिए इसका नाम आया है इस फॉर्च्यून मैगजीन में। अगला है, हाल ही में कौन से देश को माइकल नामक तूफान की वजह से भारी मात्रा में जान मान की हानि हुई? तो अभी भी जो माइकल नामक तूफान आया था ये अमेरिका में आया था, तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि ऑप्शन ए। तो अमेरिका से यहाँ कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो अमेरिका की जो राजधानी है उसका नाम है वाशिंगटन DC, और वहाँ के जो इस समय प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, आप सभी लोग जानते होंगे। और अमेरिका में ही के न्यूयॉर्क शहर मैनहट्टन में यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। और अभी भी ग्रुप डी में एक क्वेश्चन आया था कि जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं उनका क्या नाम है? तो अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं उनका नाम है माइक पोम्पियो। ये आपको याद रखना है कि अमेरिका के विदेश मंत्री जो हैं उनका नाम है माइक पोम्पियो। अगला क्वेश्चन, किस देश की सरकार ने हाल ही में मौत की सजा को समाप्त करने की घोषणा की है? तो इसका जो सही आंसर है सी, यानी कि मलेशिया। मलेशिया की सरकार ने ये निश्चय लिया कि अब उन्हें उस देश में किसी को मौत की सजा नहीं सुनाई जाएगी। तो यहाँ पे हम मलेशिया के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो मलेशिया की जो राजधानी है उसकी राजधानी है कोलालंपुर, और यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम मलेशियन रिंगिट। और यहाँ से एक और आपको बात याद रखना है कि दुनिया के इस समय जो सबसे बूढ़े प्रधानमंत्री हैं वो मलेशिया के हैं, उनका नाम है माथुर बिन मोहम्मद, और ये इस समय 92 वर्ष के हैं, और ये अभी 5-6 महीना पहले यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। तो इस समय दुनिया के जो सबसे ज़्यादा बूढ़े प्रधानमंत्री हैं वो मलेशिया के हैं, जिनका नाम है माथिर बिन मोहम्मद, और ये 92 साल के हैं। अगला क्वेश्चन, किसे हाल ही में IDBI बैंक के नए CEO व MD के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो डी, यानी कि राकेश शर्मा को IDBI बैंक के नए CEO और MD नियुक्त किया गया है। यहाँ पे कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि IDBI बैंक का फुल फॉर्म क्या है, तो जो IDBI बैंक का फुल फॉर्म है वो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी एक हेलनी पासपोर्ट, हेलनी जो एक कंपनी है हेलनी द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2018 में
किस देश के पासपोर्ट को दुनिया का शक्तिशाली पासपोर्ट घोषित किया गया है। सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं कि जो पासपोर्ट इंडेक्स है इसका मतलब क्या है। पासपोर्ट इंडेक्स में ये बताया जाता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है। अगर उस देश का नागरिक किसी देश को जाने के लिए अप्लाई करता है तो कितना टाइम लगता है और कितनी आसानी से मिल जाता है, उसको पासपोर्ट इंडेक्स बोलते हैं। तो इसमें जो टॉप किया है इस साल 2018 में जापान ने टॉप किया, यानी कि जापान के जो व्यक्ति हैं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। जापान का जो रैंकिंग है नंबर एक है, और जापान इस समय पूरे दुनिया में 600 से अधिक देशों में वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। और ये जो सेकेंड नंबर पे आया है वो आया है देश सिंगापुर। सिंगापुर पासपोर्ट इंडेक्स 2018 में सेकेंड नंबर पे रहा है। और इस लिस्ट में जो सबसे नीचे से रहा, यानी कि वहाँ के निवासी अगर किसी देश के लिए जाने के लिए अप्लाई करते हैं तो बहुत ही मुश्किल से वीजा मिलता है, वो है दो कंट्री, नंबर एक इराक, नंबर दो अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान और इराक की पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे से नीचे स्थान आया 189। और जो भारत की रैंकिंग है वो है 66। ये आपको यहाँ से फैक्ट सभी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने SC ST समुदाय के व्यापारियों की मदद के लिए उन्नति योजना की शुरुआत की है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी, यानी कि कर्नाटका। कर्नाटका की गवर्नमेंट ने हाल ही में उन्नति योजना नामक एक योजना शुरुआत की है, जिसमें क्या होगा, अगर कोई भी SC ST समुदाय से व्यक्ति कोई भी उद्यम यानी कि व्यापार करता है तो उसको आर्थिक मदद और आर्थिक तकनीक प्रदान किया जाएगा। और यहाँ हम कुछ कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। जो कर्नाटक की राजधानी है उसका नाम है बेंगलुरु, और बेंगलुरु में ही इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं इसरो का मुख्यालय है, इसीलिए बेंगलुरु को स्पेस सिटी के नाम से जाना जाता है, और बेंगलुरु को IT सिटी के नाम से भी जाना जाता है, और बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। और जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है HD कुमार स्वामी। और कर्नाटक में कांग्रेस और जनता दल की सम्मिलित सरकार है, यानी कि गठबंधन है, और जो इस समय मुख्यमंत्री हैं HD कुमार स्वामी वो जनता दल के हैं। ये आपको यहाँ इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट मिल जाते हैं। अगला है, किस राज्य सरकार ने श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निर्माण कुसुमा नामक योजना शुरुआत की है। तो जो निर्माण कुसुमा नामक योजना है ये अभी अभी उड़ीसा राज्य की सरकार ने लॉन्च की है। इसमें क्या होगा, अगर कोई भी श्रमिक यानी कि मजदूर का बच्चा है वो ITI या कोई भी टेक्निकल कोर्स कर रहा है तो उसकी जो स्कॉलरशिप हो में जो सहायता प्रदान की जाएगी, यानी कि उसको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। तो यहाँ हम जान लेते हैं उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा की जो राजधानी है उसका नाम है भुवनेश्वर, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है नवीन पटनायक, और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है प्रोफेसर गणेशी लाल। और एक सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ से आपको ये याद रखना है कि अभी अभी 26 नवंबर से 14 दिसंबर तक उड़ीसा में वर्ल्ड मेंस हॉकी स्पोर्ट होने जा रहा है, यानी कि विश्व पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप होने जा रहा है। तो ये कहाँ होगा, उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में कलिंगा स्टेडियम में होगा। ये आपको याद रखना कि उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में कलिंगा स्टेडियम में 2018 के 26 नवंबर से 14 नवंबर तक विश्व हॉकी हॉकी 2018 होने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि 27वें सरस्वती सम्मान के लिए किसको चुना गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, सितांशु यश चंद्र। अगर पूछ लिया जाए 26वां सरस्वती सम्मान किसका दिया गया था, तो 26वां दो दिया गया था उनका नाम है महाबलेश्वर सर। तो ये क्वेश्चन पुराना हो गया, आपको नहीं याद रखना, बस यही याद रखना कि 27वां सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है। तो इसका राइट आंसर सी, यानी कि सितांशु यश चंद्र को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किन देशों दो देशों के बीच सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2018 का संचालन किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है बी, भारत और मलेशिया। भारत और मलेशिया के बीच अभी अभी भी हरिमाऊ शक्ति 2018 का संचालन किया गया। आपको सभी उन देशों को याद रखना है और उनके नाम जो भारत के साथ कोई ना कोई सैन्य अभ्यास करते हैं, जैसे मालाबार एक्सरसाइज होता है जो कि इंडिया
जापान और यूएस मिलकर तीन तीन कंट्रियाँ करती हैं। अभी भी जिमिक्स होने स्टार्ट हुआ है विशाखापट्टनम में, जिसको जापान और भारत दो लोग मिलकर करते हैं। इससे पहले अभी भी काजिंड नामक एक सैन्य अभ्यास हुआ था, जिसमें कजाकिस्तान और इंडिया मिलकर किया था। तो ये सभी आपको याद रखना है। तो मलेशिया के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि यहाँ के जो इस समय प्रधानमंत्री हैं वो विश्व के सबसे बूढ़े प्रधानमंत्री हैं, जिनकी उम्र 92 साल है, जिनका नाम माथिर बिन मोहम्मद है, और यहाँ की राजधानी जो है कुआलालंपुर है, और यहाँ की जो करेंसी यानी कि मुद्रा है उसका नाम है मलेशियन रिगगिट। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के फाउंडेशन ने किसे वर्ष 2018 के दादा साहब फाल्के अच्छी एक्सीलेंस अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है सी, अनुष्का शर्मा, अभिनेत्री अनुष्का शर्मा को 2018 का दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, कौन से भारतीय बैडमिंटन संघ जिसको बोलते हैं बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कौन सा है, हाँ सी, डॉक्टर हेमंत विश्वास शर्मा। डॉक्टर हेमंत विश्वास शर्मा को अभी भी भारतीय बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष चुना गया है। इसका जो हेडक्वार्टर है भारतीय बैडमिंटन संघ का वो है नई दिल्ली में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ष 2017-18 के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है। तो ये शायद आप सभी को शायद पता हो, इसका जो राइट आंसर है डी, क्रिकेटर विराट कोहली को इस साल 2017-18 के लिए इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, 2018 का मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज किसे प्रदान किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ओल्गा टोकारजुक। ओल्गा टोकारजुक को 2018 का मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज दिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, क्योंकि जो साहित्य होता है साहित्य के फिक्शन साहित्य के क्षेत्र में ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित और बड़ा पुरस्कार है। तो ये आपको याद रखना कि जो 2018 का मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज है वो ओल्गा टोकारजुक को दिया गया है। और ये किस इनकी कौन सी नावल थी उसके लिए दिया गया था ये भी आपको याद रखना। इन्होंने एक नावल लिखी थी उसका नाम था फ्लाइट्स, फ्लाइट्स के लिए इनको ओल्गा टोकारजुक को मैन बुकर इंटरनेशनल 2018 का प्राइज दिया गया। और अगर ये पूछ लेता कि ओल्गा टोकारजुक कहाँ की लेखिका हैं, तो ये पोलैंड देश की लेखिका हैं, और इनकी फ्लाइट्स नामक जो नावल थी यानी कि नावल थी आत्मकथा, उसके लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, केंद्र सरकार ने किसे भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का नया अध्यक्ष चुना गया है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को इंग्लिश में बोलते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है हैदराबाद में, और जितने भी भारत में बीमा से रिलेटेड कंपनियां या उनके कामकाज या उनके नियम कानून होता है यही भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण ही देखता है। ये इसका सबसे उच्च एक तरफ से का एक सबसे पहले सबसे ऊंचा कोई कार्यालय है या संस्था है, सॉरी कार्यालय नहीं संस्था, ये बीमा के लिए सबसे बड़ी भारत की संस्था है। तो इसके जो नए अध्यक्ष चुने गए उनका नाम है सुभाष चंद्र खुंटिया, यानी कि राइट ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, मई 2018 के मध्य रेल कोचों तथा ट्रेनों के सेट पर फोकस करने के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय रेल कोच एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। वो जब जब जिस समय मैं टाइप कर रहा था वो समय मतलब होने वाला था, निकला भी हो चुका है, तो अभी आंसर क्वेश्चन हो जाएगी कहाँ किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो किया गया है सी, यानी कि चेन्नई, तमिलनाडु के चेन्नई शहर में भारत का पहला रेल कोच एक्सपो किया गया था। और इस समय जो वर्तमान में भारत के रेल मंत्री हैं उनका नाम है पीयूष गोयल, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, आईफा 2018, आईफा का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंडिया फिल्म एकेडमी। इंटरनेशनल फिल्म इंडिया एकेडमी 2018 के पुरस्कार समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है सी, तुम्हारी सुल्लू, जिसमें अभिनेत्री विद्या बालन ने रोल निभाया था। तो जो इस साल का ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आईफा 2018 कहाँ हुआ, तो ये इस साल थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ था। अगला क्वेश्चन,
2006 छवें यानी कि 106th में भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2019 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो कि जलंधर पंजाब में पड़ती है, यानी कि इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में संपन्न फेमिना मिस इंडिया 2018 का खिताब किसने जीता या कौन सी विजेता हैं? तो इसका राइट आंसर है सी, अनुकृति व्यास 2018 की मिस इंडिया खिताब विजेता हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, किस भारतीय को जापान की प्रतिष्ठित निक्की एशिया पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, बिंदेश्वर पाठक को 2018 का निक्की एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये जो बिंदेश्वर पाठक हैं ये कौन हैं? आप जो कहीं भी जाते हैं रेलवे स्टेशन या किसी भी शहर में जो सुलभ शौचालय देखते हैं उसके ये फाउंडर यानी कि संस्थापक हैं और ये बिहार से आते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फ्रांस ने 20 साल बाद फुटबॉल विश्व कप जीता है जिसमें किसे गोल्डन बूट का अवार्ड दिया गया है? अभी भी फीफा हुआ है जो कि रसिया में हुआ था, रूस में, आप सभी को पता होगा। तो उसमें जो गोल्डन बूट का अवार्ड है वो किसको दिया गया है? तो इसमें इससे बहुत से क्वेश्चन बन के आ रहे थे तो मैंने इस क्वेश्चन में सभी क्वेश्चनों को कवर कर लिया जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और कई भी बार आ चुके हैं पिछले एग्जाम्स में। तो जो गोल्डन बूट का अवार्ड दिया गया था ये हैरी केन को दिया गया था, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी हम कवर किए हैं इस क्वेश्चन में कि जो गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया था वो किसको दिया गया? हैरी केन को, 6 गोल मारे थे, ये इंग्लैंड के, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। और गोल्डन बाल अवार्ड जिसे दिया गया था ये लुका मैड्रिक को दिया गया था, ये क्रोएशिया के कप्तान भी थे। अगला, गोल्डन ग्लव्स अवार्ड किसे के दिया गया था? ये दिया गया था तिबेतो कोर्टियस जो कि बेल्जियम के खिलाड़ी हैं। अगला, यंग प्लेयर अवार्ड किसे दिया गया था? ये केलियन मेबाबे को दिया गया था जो कि फ्रांस के थे। अगला, फीफा प्ले ट्रॉफी किसे दिया गया? ये स्पेन की टीम को दिया गया था। और जो इस साल का फीफा 2018 जीता वो किसने जीता? वो जीता रूस सॉरी फ्रांस ने किसको हराया? क्रोएशिया को हराया। कितने से हराया? 2-1 से हराया। अगला, IIF वर्ल्ड अंडर 2018 अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियन में किस भारतीय खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता? तो इसका राइट आंसर जो है वो है हिमा दास। हिमा दास भारत के असम राज्य से आती हैं, इनको ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये क्वेश्चन याद रखना कि हिमा दास को किस नाम से जाना जाता है, तो इनको ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है ये कहाँ से हैं, तो असम के ये नगांव गांव से हैं, नगांव डिस्ट्रिक्ट से हैं। अगला, हाल ही में किस भारतीय को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। इसके बाद, आईपीएल 2018 का विजेता टीम कौन सी रही? तो इसका राइट आंसर है चेन्नई सुपर किंग्स। ये शायद आप सभी को जानते होंगे कि इस साल का जो आईपीएल प्रीमियर लीग था वो चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न 72वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2018 में संतोष ट्रॉफी यानी कि संतोष ट्रॉफी खिताब 2018 में किसने जीता? तो ये टीम केरल ने जीता यानी कि केरल राज्य की टीम ने जीता, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता उबर कप 2018 का खिताब किसने जीता? तो ये जो उबर कप होते हैं ये बैडमिंटन का बहुत ही प्रतिष्ठित कप होती है, तो इसको जो इस साल का जीता वो जापान ने जीता, यानी कि इसका जो राइट आंसर है ए है। अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किस प्रसिद्ध पार्श्व गायिका को राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार बंग विभूषण से सम्मानित किया? जो बंग विभूषण होता है ये पश्चिम बंगाल का सबसे उच्च यानी कि सर्वोच्च सम्मान है, ये इस साल का दिया गया सिंगर आशा भोसले को, यानी कि इसका राइट आंसर है ए। अगला, किस राज्य में यहूदी समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी यानी कि गुजरात। गुजरात राज्य में राज्य ने वहां के जो यहूदी निवासी थे उनको अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया गया। ये ऐसा करने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया। इससे पहले महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल ने जो वहाँ के यहूदी निवासी थे उनको अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी का दर्जा प्रदान कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2018 के मध्य
तरवा विश्व संस्कृत सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जिस समय मैं टाइप कर रहा था वो उस समय होने जा रहा था, निखिल अब ये हो चुका है क्योंकि ये जुलाई में है, अब मैं वीडियो बना रहा हूँ अक्टूबर में। तो ये 17वां विश्व संस्कृत सम्मेलन कहाँ हुआ, इसका जो राइट आंसर है वो वैंकूवर है। वैंकूवर कहाँ पड़ता है, ये कनाडा में पड़ता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो 17वां विश्व संस्कृत सम्मेलन वैंकूवर कनाडा में हुआ, उसमें अध्यक्षता करने के लिए भारत की तरफ से कौन गए थे? तो उसमें जो भारत को लीड कर रहे थे वो थे भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने इनोग्रेट किया था। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध उपन्यासकार माइकल ओडांटेजे को उनकी किस रचना के लिए गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये क्वेश्चन इस वीडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि गोल्डन मैन बुकर जो पुरस्कार होता है, वर्ल्ड का नंबर वन पुरस्कार होता है साहित्य के क्षेत्र में, नोबल प्राइज के बाद जो दूसरा कोई अवार्ड आता है दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित साहित्य में, तो वो आता है गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार। तो ये दिया गया इस साल इंग्लिश द इंग्लिश पेशेंट नावल को, द इंग्लिश पेशेंट नावल को इस साल का मैन बुकर प्राइज दिया गया। गोल्डन मैन, ये वर्ड याद रखना, गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, और ये जो द पेशेंट द इंग्लिश पेशेंट है, ये किसकी रचना है? ये है माइकल ओडांटेजे, ये एक श्रीलंकन बेस्ड इंग्लैंड के राइटर हैं। अगला क्वेश्चन, देश का पहला खादी माल किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है झारखंड। झारखंड राज्य में पहला देश का खादी माल स्थापित किया जाएगा। अब यहाँ झारखंड के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो झारखंड की जो राजधानी है उसका नाम है रांची, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है रघुबर दास। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को की विश्व धरोहर संबंधी वैश्विक समिति ने भारत के किस स्थान को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया? तो इसका जो राइट आंसर है ये मुंबई के विक्टोरियम आर्ट डेको इंसेबल को यूनेस्को ने विश्व धरोहर संबंधी वैश्विक समिति में शामिल कर लिया, यानी कि इसका राइट आंसर ए है। और ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया में यूनेस्को विश्व धरोहर कितनी है? तो इंडिया में टोटल 37 हैं, जिसमें से 29 हैं कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक, 9 है नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, और एक मिक्स यानी कि कल्चरल और प्राकृतिक दोनों हैं। और ये पूछता है कि यूनेस्को में विश्व धरोहर की जो साइटें हैं वो सबसे ज़्यादा किस देश की हैं? तो इटली की है, नंबर दो चाइना की। और ये पूछता है कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। अगला क्वेश्चन, महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2018 का खिताब किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने जीता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो बी यानी कि बांग्लादेश। बांग्लादेश की महिला टीम ने T20 क्रिकेट टूर्नामेंट महिला एशिया कप 2018 जीता, और ये किसको हराई थी? ये भारत की टीम को, भारत की महिला टीम को हराए थे। और ये जो इवेंट हुआ था कहाँ हुआ था? कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था। यानी कि जो इस साल का महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है किसने जीता? बांग्लादेश की टीम ने जीता। किसको हराया? भारत को हराया। और ये कहाँ हुआ था? कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के निम्नलिखित में से किस यूनेस्को धरोहर के चित्र वाला 100 रुपये का नोट जारी किया है? यानी कि जो 100 रुपये का नया नोट है उस पे भारत की किस धरोहर का चित्र है? तो इसका जो राइट आंसर है ए, ऑप्शन ए यानी कि रानी की वाव। रानी की वाव अहमदाबाद शहर का एक स्थान है, वहाँ की एक बिल्डिंग का नाम है, उसी का चित्रण किया गया है 100 रुपये की नोट पे। और जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली मुंबई सॉरी मुंबई में है, और इसके जो गवर्नर है उनका नाम है उर्जित पटेल। तो ये थे पिछले महीना के सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, यानी कि पिछले 6 महीना के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 करंट अफेयर जो कि मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा आया, अच्छा लगा होगा, और आपने वीडियो में एंजॉय भी किया होगा। और इसके साथ साथ जो मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट बताया वो भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप उन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को भी याद रखना। अगर आप ये वीडियो अच्छे से पढ़ लेते हैं 2 से 3 बार, तो अगर आप किसी भी एग्जाम में देने जाते हैं अगर उसमें पिछले 6 महीने का करंट अफेयर पूछता है तो इन्हीं क्वेश्चनों में से जरूर पूछेगा, मेरा ये वादा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग,
और एक बात और, अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे एक रेड बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके हमारे चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जब कोई भी वीडियो आप तक लाऊं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।